आखिर कहाँ पर स्पॉट हुई है टीना दत्ता और क्या स्टोरी डाली है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और उस दौरान क्या क्या स्टोरीज में वो बता रही हैं, और क्या मतलब कौन सा डेली सोप है जिसमें अब वो नजर आने वाली हैं, और क्या रहस्य है जो उन्होंने अभी तक बनाकर रखा है, अभी तक नाम नहीं खोला है इस चीज़ का कि उनके उस सीरियल का जो भी डेली सोप वो करने जा रही है उसका नाम क्या है। हाँ, लेकिन जिस जगह पर शूट कर रही हैं वो जगह बहुत लोगों के लिए नोन है और एक फेमस जगह है, तो कौन सी वो जगह है और कहाँ पर है टीना दत्ता इस समय, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। टीना दत्ता अगर उनके बिग बॉस के थ्रू आउट जर्नी की बात करें तो भाई अगर सबसे ज़्यादा इज्जत का फजीता किसी का हुआ है ना तो सिर्फ और सिर्फ टीना दत्ता का हुआ है। अगर बाहर जनता की नज़रों में भी माने तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को जनता ने इरिटेटिंग फेक और ओवर एक्टर बोला है, अगर शालीन को तो भाई बोला ही है लेकिन उनको फिलहाल साइड में रखते हैं, अगर शालीन से पहले किसी को जनता ने वो टैग दे दिया था ना कि फेक चालाक और ये सारे, तो वो टीना दत्ता थी। लेकिन बहुत स्मार्टली टीना दत्ता ने अपना गेम खेला था। सबसे बेसिक पॉइंट उनका यही था कि टीना जो है ना वो एंड एंड में बहुत सारी चीज़ों को समझ गई थी, कि जैसे उन्होंने ना तीन लोगों को पहले पकड़ लिया था, एक थे शिव, दूसरे थे स्टैन और तीसरी थी प्रियंका चार चौधरी। इसकी वजह थी कि शिव जो है वो टीना को भाव देगा नहीं तो वो उधर से उनका पत्ता कट ही हो गया था, पर स्टैन से वो उतनी ही बातें कर सकती हैं जितना स्टैन चाहे, उससे ज़्यादा वो गेम की बातें स्टैन से कर नहीं पाएंगी। और उसके बाद उन्होंने एक ऐसे कंटेस्टेंट को चुना जिसका ऑलरेडी एक दोस्त उनके साथ आया था और वो घर छोड़ के बाहर गया था। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रियंका चार चौधरी की, उन्होंने प्रियंका चार चौधरी को चुना और प्रियंका चार चौधरी के साथ एक ऐसा गेम प्लान रचाया कि जिसमें प्रियंका ही साइडलाइन हो गई और पूरा का पूरा स्पॉटलाइट टीना दत्ता पर गया, लेकिन जिसका कोई मतलब हुआ नहीं। टीना दत्ता घर से तो बाहर हो गई, हाँ, लेकिन घर से बाहर आने के बाद बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे कि टीना को जो है कलर्स की तरफ से एक शो ऑफर हुआ है, चारू और दुर्गा करके उसका कुछ नाम था। देन ये वाला भी एक रूमर ही था या सच था, अभी तक तो इस पर भी कोई कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन अभी बीच में टीना दत्ता ने कुछ स्टोरीज पोस्ट की हैं और टीना दत्ता इस समय पतौदी पैलेस में है जो सैफ अली खान का घर है, तो उन्होंने सिर्फ स्टोरीज डाली है इस चीज़ पर, लेकिन अभी तक कुछ ओपन नहीं किया है कि क्या कहाँ मतलब किस चीज़ का शूट कर रही है वो, जिसपे उन्होंने कैमरा की फोटो डालकर लिखा है टू न्यू बिगनिंग टू न्यू थिंग्स शेयर्स लिटिल लाइफ लिटिल जॉयज ऑफ लाइफ, और इसके बाद यही सारी फोटोज उन्होंने ऐड किया जो पतौदी पैलेस से ही है उनके शूट की है। तो इस चीज़ पर अभी तक उन्होंने कोई कंफर्मेशन दिया नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि ये शो जो है वो सोनी चैनल की तरफ से उनको मिला है, कलर्स वाले की तरफ से जो शो मिला है उस पर अभी तक कोई कंफर्मेशन आया नहीं है खासा, लेकिन हाँ सोनी पे उनको एक शो ऑफर हुआ है जिसमें वो दिखाई दे सकती हैं, दिखाई देने वाली हैं। अभी तक उनके साथ उनका को स्टार कौन है, किसके साथ में वो दिखाई देने वाली हैं, किसके साथ में काम करने वाली हैं, इस चीज़ पर अभी तक कोई भी कंफर्मेशन आया नहीं है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर, और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।